ओम शांति। शांति मन में बैठे हो, डायमंड आर्मी, इतने सब बाबा बच्चे, ओम शांति, वंडरफुल, ओम शांति। कितना मीठे मीठे बाबा के याद में सारा हाल फुल लगता है। कल बाबा यहां होगा, ताली बजाओ ना, कल बाबा यहां होगा। आज बाबा के सामने, कल यहां अभी याद में बैठे हैं, कल सामने बैठे हुए होंगे। कितना अच्छा मीठा बाबा, बाबा के सामने बैठना अरे कोई ये फीलिंग आती है ना, कोई ये तो फिर मैं दूर बैठा हूं, नहीं नहीं नहीं, बाबा सामने बैठा हूं। मैं क्या सुनाऊं बे, खुशी में क्या सुनाऊं। बाबा ने खुशी की खोराक खिलाई है। सभी हमारे बहने बैठी है, सिंधी बहने सब हाथ उठाओ, सब बैठी है। मन में मीनू बहन कहाँ है, बैठे ना, तो बैठे हो ना सब। देखो बिंदी लगाने आता है ना, सिंधी लगाओ बिंदी, बाबा कैसे लगाओ बिंदी, बिंदी लगाने क्या होता है, बिंदी कभी तभी काम करती है जब पहले एक जानते हो ना सभी। मैं इसको थोड़ा समय पढ़ी, पर अर्थमेटिक में अच्छी मार्क्स लेती थी, हिस्ट्री जागरण मेरा क्या काम है, हिसाब किताब है, फुल मार्क्स। एक बाबा लगाओ बिंदी तो 10 हो गया, दूसरी ड्रामा बिंदी 100 हो गया, फिर अच्छे कर्म करो तो लगाओ बिंदी 1000 हो गया। अभी कौन है, अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली, कौन समझते हैं मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ सौभाग्यशाली नहीं, सिर्फ वंडर है ये, बाबा बाबा है भागीरथ, शिव बाबा ब्रह्मरथ में आया, आज मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए आई, बहन आई टेलीविजन में देने के लिए, 4 क्वेश्चन पूछेंगी, 4 क्वेश्चन का 10 मिनट में उत्तर देना, 4 क्वेश्चन। पहले तुमने बाबा को कैसे देखा, वो हिस्ट्री वंडरफुल है, बताऊंगे 4 क्वेश्चन बड़े अच्छे का। मुझे सभी जो जिन्होंने बाबा से मेल देखा है उनसे इंटरव्यू लिया है, अभी 13 टर्न है। मैंने कहा क्या पूछेंगे, कहा 4 क्वेश्चन पूछेंगे ना, पहले तुम्हारी बाबा से मुलाकात कर ली, कैसे हुई, वंडरफुल है बाबा की। 18 जनवरी है, कर वो तो अव्यक्त होने की, वो कौन सा माता मुझे याद नहीं है, पर 1936 होगा, क्यों फिर मैं 1 साल लेट आई थी, कोई हिसाब किताब था। पर बाबा को जो देखा ना, जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया ना, तब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा नाम का पता नहीं था,
शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, पर ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छा लगता था, ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम अच्छा लगता था। पर वो छोड़ो, पर जब बाबा को देखा, मैंने बताया, पर तो अभी साईं सभा को बताती हूँ, बाबा पहले जानती थी, गीता मैं भी पढ़ती थी, गीता बाबा भी पढ़ता था, बाबा का गीता पढ़ते मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं बाबा के घर जाती थी, गीता पढ़ता हुआ देख मैं बैठ जाती थी, जब भगवान कहता है मेरे को याद कर, शांत हो जाता था, वो शांति में हम भी बैठ जाते थे, भगवान कहता है देख के संबंध को भूल, मेरे को याद कर, वो बैठ जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। पर मैं इसलिए मैं कहती थी कोई चांस लेकर के, बाबा मुझे प्यार करता था, निम्न दादी मेरे साथ स्कूल में इकट्ठा पढ़ती थी, बाबा उनसे भी ज्यादा मेरे को प्यार करता था, क्योंकि मुझे इसका बहुत इच्छा थी, मैं अच्छी जैसे ये बैठता है, जैसे बात करता है, अच्छा। जब कलकत्ते में बाबा का दुकान था, तो लौकिक बाप के साथ हम दो बहनें थी, बाबा के पास गए, दुकान पर गए, बाबा का दुकान सुना था, कोई ग्राहक जाता है ना, दोबारा दूसरे दुकान पर नहीं जाता है, कोई भी ग्राहक, ये सुनना था, बड़ा अच्छा। बाबा के पास एक भी ग्राहक आया ना, बस ज्यादा दुकान पर नहीं बैठता था, और ये भी आंखों से देखा 12 बजे तक गार्डन में, बाबा बगीचे में नीचे बैठा रहता था शांति में, पीछे घर आकर स्नान पानी करके कुछ नाश्ता करके दुकान पर आता था। तो मैं लोग के बाप से पूछा बच्चियां कहाँ रहेंगी, उसने कहा गेस्ट हाउस में रहेंगे, नहीं नहीं ये बच्चियां बाप के घर में रहेंगी, बच्चियां बाप के घर में, ये ऐसी थी बाबा की दिल, बड़ी दिल, सच्ची दिल, तो बाबा पर अच्छा लगता था, पर कोई न कोई कारण से मिलना होता ही था, पर मेरे को अच्छा लगता था, रोज सवेरे कुछ और भक्ति भक्ति नहीं करना, पैदल करना शांति में, तो बगीचे में पैदल करने जा रहे थे बाप के साथ, लोग एक माँ के पास सुस्त थी, मतलब घर के बच्चों को संभालने में, पर मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था, मैं जा करके तो बाप को कहती चलो पैदल करें, तो हम उसके साथ ये बगीचे में जा रहे थे पैदल करने, बाबा सामने आ रहा है पैदल के सामने, वो दृश्य है जो मुझे अंदर परमात्मा से मिलने की अंदर इच्छा थी, तरफन थी, भजन गाती थी, मुझे भगवान मिले, भगवान कहाँ है कैसा है, वो घड़ी वो सेकंड बाबा से देखा, अंदर से आवाज आया, बस समझ गई। लोग के बाप को बोला आपको कुछ अनुभव हुआ, समझ नहीं, मेरी वो घड़ी वो सेकंड, बाबा ऐसे आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, उसके बाद थोड़े समय में ओमनली शुरू हुई, जो बाबा के घर आवे, जो बाबा के सामने बैठे ना, रात का 11 भी बज जाए, शाम को जाएंगे, शांति में बैठे रहे, इतनी शांति, इतना प्यार, बात बात पूछो, बहुत दिन इतने प्यारे हैं,
उन दिनों में ही हमारी चंद्रमणि दादी के मेरे बहन का शादी कराई थी बाप ने, दादा ने, चंद्रा बहन बैठी है, उसकी पोतरी है, दोतरी है। तो 13 साल की उम्र शादी सारी छोड़ दिया लड़के ने, दूसरी कराई वो भी मर गया, पर एक का बेटा वो भी सारी छोड़ दिया, पर हमारी हृदय पुष्पा जो बेंगलोर में थी उसकी शादी कराई उसका भी मर गया, बहुत दुखी थी। चंद्रमणि दादी छोटी थी, बाबा के पास सत्संग में आती थी, बाबा को कहा बाबा हमारे घर में चलो ना, बड़ा दुख है शांति है। कहा उसको मैला कपड़ा उतारे प्रभाव चलेगा, वो मैंने आंखों से सीन देखी। बाबा उस शांत सीता माता के सामने गया, बस जो उसको शांति मिली, इतना दुख था परी शांति, बस बाबा से शांति और प्रेम। दादा रतन चंद्र ऐसा था, बड़ा शराबी, गोरे गाड़ी में चढ़ता था, ये आज नहीं बताया पर मैंने बताया, शराब का गिलास हाथ में, कपड़े कैसा पहनता था, बहुत वंडरफुल, उसको देख करके कहते थे ये तो इसको बहुत धन का नशा है। वो बाबा को सीता माता को इतना शांति में देख, सारा जैसे बाबा ने खुद अपने आप को समर्पण किया, ऐसे दादा ने भी फौरन समर्पण किया। बड़ा कोलंबे में बहुत बड़ा बापा था, फौरन बाबा से भी ज्यादा, बाबा बड़ा जवारी था और वो भी कम व्यापारी नहीं था, पर देखा घर में शांति आई है। चंद्रमणि दादी को इतना प्यार करता था, वो उसको मोतिल कहते थे, इतना प्यार करता था। आज मैं इंग्लिश मैगजीन पढ़ रही थी तो गुलजार दादी का अनुभव इंग्लिश मैगजीन में लिखा, गुलजार दादी का फोटो और इंग्लिश मैगजीन में सारा दादी गुलजार का अनुभव लिखा हुआ, वंडरफुल अनुभव दादी गुलजार ने लिखा है, उसमें चंद्रमणि दादी, मिठू दादी, वो सब अनुभव उनका लिखा है। आलोंडा दादी, दादी गुलजार की लोक में माँ थी, अभी तो उसको वो ऐसी न्यारी प्यारी है पता भी नहीं है, उसके माँ कौन, बाप कौन, फलाना कौन, मतलब बात का समर्पण हुआ। फिर शांतामणि का बाप वंडरफुल, बड़ी शांति आई। हमारी सती भाभी थी, ट्रांस में जाती थी, बाबा को देखती थी, खीर सा घर में सोया पड़ा है, लेटा हुआ है, विष्णु सागर में लेटा हुआ है। बाबा भी मंदिर पर टांकी होती है ना, बाथरूम की टैंक, उसमें दूध सारा नहीं डालती थी, दूध और पानी डाल के बाबा को लेटा देती थी, साक्षात्कार करती थी, बाबा को देखती थी, इतना वंडरफुल। पर ये उसने जब मुझे चाबी लगा दी, इतना नहीं सुना सकी, नहीं सुनाना था, पर बाबा का अनुभव शुरू शुरू कैसे होता था, 18 जनवरी कल था ना, पर शुरू का जो अनुभव था ना, जो अंत में मैंने कहा, जो बाबा ने कहा निराकारी निर्विकारी निरंकारी, वो शुरू में ही था। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा में आया उसके पहले भी मैंने देखा था ऐसा ही था, निराकारी वो करता है, वो करता है, वो करता है, हाथ पर निर्विकारी कोई भी कारण नहीं देखा, दृष्टि वृत्ति इतनी अच्छी थी, निरंकारी कोई अहंकार नहीं था। मैं समझती हूँ मैं 8 साल 10 साल की उम्र से बाबा को देखा था, कितनी भाग्यशाली हूँ, पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। तभी कहते हैं एक बूंदी बिंदी लगाते जाओ,
बाबा को देखा, बाबा कैसा था? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था, कहो तुमको टाइम टू टाइम क्या क्या अनुभव हुआ? बाबा दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सुनाया, पर बाबा ने जब भी कराची से यहाँ आए, कैसे हम आए, कोई हमको तकलीफ नहीं हुई। स्टीमर में हम कैसे कराची से उन्होंने भेजा, 4 साल रहे थे, कोई हमको भय नहीं था। लौकिक बैलों को भय था, हमको कोई भय नहीं था। आराम से वहाँ की खुद कलेक्टर ने हमको यहाँ भेजा। कैसे हम स्टीमर में जो बाबा के साथ थे ना, वो सीन बड़ी अच्छी थी। बाबा हमारे साथ था, हम सब बच्चे बाबा के साथ बच्चे। और एक फोटो मेरा है, जब सामान पैक किया था, मैं सामान के ऊपर बैठी हूँ संभालने के लिए, जब आ रहे थे। कितना अच्छा, जैसे हम छोटी बेबियां, कितना बाबा ने ऐसा प्यार पालना दी, जो आज वो शक्ति चला रही है, आज भी वो शक्ति चला रही है, प्यार बाबा का। यहाँ तो मतलब मेरे को चाबी लगाई बहन ने, पर इतना नहीं सुनना कर गए। पर मैंने कहा देख अभी बहन, अभी फिर कहा फिर सारी विश्व की सेवा कैसे हुई? तो मैंने कहा दादी दीदी दोनों ने मुझे बाबा अव्यक्त हुआ तो भी हमको आंसू नहीं आया, परंतु मूली कैसे सुनेंगे, मूली से बहुत ज्यादा। जान दादी गुलजार की रूम है, वंडरफुल। तो ये है, जून मास में मैं बाबा से मिली थी, पुणे से आई थी, तबीयत ठीक नहीं। बाबा मिश कहता था तो बॉम्बे से होके आओ, जब जाती हो बॉम्बे से होके जाओ। एक बारी गद्दी पर बैठी थी बाबा के साथ, इतनी मीठी बातें सुना रहा था, मेरी सुन रहा था। तो दीदी ने कहा बाबा बाहर बहुत खड़े है आपसे मिलने के लिए। बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा चल रही है। अरे बात मत पूछो, सत्यनारायण की कथा चाहे, सत्यनारायण स्वामी मुझे ये कथा सुना रहा है। तो मैं जब बॉम्बे में होके पुणे गई, बॉम्बे में सुना, मैं सत्यनारायण स्वामी से मिल के आई हूँ। इतना सुख, इतना सुख, सत्यनारायण स्वामी मेरे से बैठ के बात करे, मैं उनके बाजू में बैठी हूँ। एक बारी का वही दिन थे, यहाँ मैं सामने बैठी हूँ, कहा यहाँ का बाजू बैठो, बाजू बिठाया। अभी जो अव्यक्त बाबा में बाजू बिठाता है ना, वो खींच होती है, करंट आती है। यहाँ यहाँ बैठो। तो मैं ये क्यों सुनाती हूँ, अनुभव सुनाती क्यों? इस अनुभव में रहो, और कोई भी छोटा मोटा कचरा पट्टी वाला कोई अनुभव होवे ना, फेंको पैर, नहीं रखो। बाबा मेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा मैं बाबा का, इस खुशी में सदाई दिल कहता। जो अभी भी मेरा चलते चलते वाला गीत है, तभी बहने कहीं ट्रांस में जाती थी, मैं ट्रांस में कभी नहीं गई, और दीदी भी ट्रांस में नहीं गई। और दीदी को जब बहुत दृष्टि देता था ना, नाचने लग पड़ती थी। तो मेरे को मुझे अच्छा लगा, बाबा उसको दृष्टि दे रहा है तो नाचने लग, तो मेरे को दृष्टि दिया, मैं नाचने लग पड़ी। वो दिन आज का दिन, ये गीत बजेगा ना, मुझे पता भी नहीं मैं कोई शरीर में हूँ, नाचने लग पड़ेंगे। क्यों? चलते चलते कोई मिल गया, चलते चलते। इतनी मैं सुनाने का मतलब ये है, कल बाबा आ रहा है, इतनी खुशी जो कल पहले मिली थी अब मिल रही है, तो कल के बाद मिलेंगी। बीच में सारे कल में हमारा सारा कल नसब सक चुका है कि जन्म,
नसब सत्र का त्रेता का एक 84 जन्म ही हमारे अच्छे होंगे, ये गारंटी है। शुद्ध योगी होंगे, पौत्र होंगे। पौत्रता से मुझे बड़ा प्यार था, बाप माँ बाप से नफरत होती थी। जब बच्चे पैदा करते मैं ये क्या करते पता नहीं कहाँ से बच्चे पैदा, कोई मोह करता था अच्छा नहीं लगता था, कोई लोभ करता था अच्छा नहीं लगता था। लोभ लोभ बस पैसा कमाना, तो क्या करेगा पैसा। बारात को बाप की दुकान पर जाती थी, देखती थी अच्छे जेवर कोई है ले लेती थी, कहते क्या करेंगी। सुबह को दूसरे कोई लड़की को दे देती, मैं तुम्हारी बेटी नहीं है क्या। या कोई पोता मेरे पूछती, रात को रोज पोता मेरे रखते थे, तो पोता मेरे कितना कमाया आज मेरे दो। सुबह को जाकर गरीबों को फकीरों को बीमारों के हॉस्पिटल में जाकर देखे आती थी, क्या है पैसा, क्या बड़ी बात है। तो लोभ, किसी को लोभ होता था ना अच्छा नहीं लगता था। सत्ताई कपड़ा सिंपल पहना होगा, कभी भी जेवर बेवर कौन है के? ये वैश्याओं के कपड़े हैं। ये तो योग न, इतना ऐसा संस्कार बाबा ने बनाया। ऐसे बाबा का कल दिन है, अभी क्या करें, अभी क्या बाबा को बताएं। अभी मेरा दिल ये कहता है आप सब भी ऐसे बन जाओ राज ऋषि सच्चे योगी बाबा के प्यारे सकीला दे लाडले। पर दो पर सकीला दे लाडले तभी दिखाई पड़ेंगे, सदा मीठे होंगे। कभी भी भूल से किसे करवा बोलना बड़ी भूल है। ऑफिशियली ऐसे बोलना बाबा ने नहीं कहा, ये बाबा ने ये भूल करने से। भाई तुमने भले मेरे से कोई आवाज से ऐसे बात करते हैं, तो मैं अंदर से रिस्पॉन्ड भी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं ये बोलो ना। तो मैंने कोई खराब तो ही बोला, राइट बोला ना। बहने भाई जो करना अब कर ले, कल किसे देखा और किसी को नहीं देखो। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मीचन भाई बैठा है, बिनासी बैठा है, निर्भय भाई पर कितना मजा आया, कितना मजा आया। पांच पांडव बैठे थे, कितनी शिकल चमक रही थी, समझो ऐसे हर एक की शिकल जो देखे ना। मैं तो अजब खाती हूँ, अजब क्या अच्छा लगता है। इंग्लिश मैगजीन चाहे हिंदी मैगजीन, बाबा के दिनों में बाबा एक बारी मुझे जब मामा ने सर छोड़ा, तो बाबा ने कहा तुम तो मामा के खर्चा पर सो जाओ, तो खर्चा पर बैठी हूँ। बाबा दरवाजा अचानक खोल के सामने खड़ा हो गया, क्या कर रही हो। मैं चार्ट देख लिखा, कभी चार्ट नहीं है पर चार्ट पर ध्यान रखा है। मैगजीन बाजू में रखी थी, तभी त्रिमूर्ति मैगजीन थी, कहीं पढ़ते हो क्या। बाबा देखती हूँ क्या आता है इसमें, अच्छा चार्ट देख रही हो। तो कमरे में लेके गया, खाना खिलाया साथ में, चलो क्लास में सुनाता हूँ। क्लास में कहा किसको दुख तो नहीं देती हो कभी, वो दिन आज का दिन, न दुख देना न लेना। ये भी बताने का मतलब ये है कभी मेरे से किसको दुख न मिले, कोई दुख देने चलो कोई किया भी मुझे लगे नहीं, असुर नहीं, उसका दोष नहीं।
बाबा ने कहा निंदा माई जो करे मित्र मास होए। वंडरफुल बाबा की शिक्षाएं हैं, वंडरफुल बाबा का प्यार है, वंडरफुल बाबा की पालना है। बाकी ये लास्ट बात है तो मुझे दादी दीदी ने बोला विदेश में जाना है। मैंने कहा मैं क्या जा करेंगी, तो मुझे मनाने के लिए दूसरे दिन बाबा दादी के कमरे में नहीं, ये जो बाबा का कमरा है ना, वहाँ बाबा के कमरे में दादी दीदी ने गुरदा दादी से बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा जाना होगा। मैंने कहा बाबा क्या करेंगे, कहा मधुबन का मॉडल बनाना। बस वो दिन आज का दिन मधुबन का मॉडल। मैंने कहा बाबा ऐसा कमरा कैसे होगा वहां, वो भी हो जाएगा। उसी साल में दूसरे नेक्स्ट डोर मकान मिला, बाबा का कमरा जैसा है वही कमरा, ऐसा बाबा का फोटो जैसा यहाँ है ऐसा दादी ने भेजा। और जो अभियत बोली परी दादी, तभी 77 में 74 में गई हूँ, दादी 77 में आई है, दादी जैसे बाबा आए हैं। सदा ही ये कमाल बाबा की है। बाबा कैसे हमारा अपने बच्चों को निमित्त बना करके सारा कार्य किया है, अभी भी कर रहा है, करा रहा है, तो मेरा भाग्य है। भगवान तो क्या करेगा, क्या करेगा भगवान सृष्टि पर आकर के, ब्रह्मा बाबा में तन में आकर के क्या करेगा, जो ब्रह्मा बाबा से करके दिखलाया है, ब्रह्मा बाबा द्वारा करके दिखलाया है, अभी आंखों से देखा है, बुद्धि से जाना है, अनुभव किया हुआ है। बाबा कैसे क्या कर रहा है, सारी विश्व की सेवा, विश्व का कोई कोना नहीं रहा है जहाँ बाबा के बच्चे न हो। वो वंडरफुल जैसे जापान वाली बच्ची आती है, हिंदी में बाबा गीत गाती है। अभी एक मधु बहन है, मैंने नाम रखा है मधु, पर नाम दूसरा है कोई, फिलीपिन वाली, डोंट थिंक पर जो नाटक बनाया था आज ऊपर है, मुझे पत्र बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा अच्छा पत्र लिखा है। अभी मैं अच्छा नाटक और बनाएंगी। मैं समझती हूँ जितना सब हर से हर एक स्थान पर जो बाबा बाबा के बच्चे हैं, जिनकी बाबा शिक्षा भी दी है, रिक्षा भी की है, विनाश के पहले हर एक समझे मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। बस चंद्रा सुन रही हो, कभी भी वंडरफुल, कई बार ये बीमार पड़ी होंगी, कई बार खड़ी हो गई, अचानक देखा ये यहाँ गई है। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल बाबा के बच्चे, कैसे बाबा बाबा करते, अपने जीवन तो सफल ही किया पर परिवार को बाबा का बना दिया। खुद निश्चिंत है, निर्मोही है, निश्चय का बल चल रहा है। अच्छा अभी क्या रमेश गीत गाएगा? ओके, ओम शांति। कल बाबा के सामने बैठे होंगे ना, अभी बाबा बाबा करते कितना बारी मुख से बाबा निकला हो क्या? एक नई ऑडियो सीडी तैयार हुई है जिसका नाम है लीला राम बाबा भाई, आदरणीय दादी जी के वरद हस्तों से उसका उद्घाटन कर रहे हैं बीके मिलिंद भाई, और गीत गाएंगे बीके रमेश भाई। हाँ, राम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल,
हमको बनाते कांटों से फूल, चमकते भाग्य मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। पल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। हो ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। स्नेह के रंग से भर के उमंग वो फरिश्ता बनाते हैं बाबा। मन बना कुंदन चिंतन चंदन, मन बना कुंदन चिंतन चंदन, खुद सा बनाए मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर, हो याद वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर, पाए जो बरदा दिल ये कुर्बान राहों में तेरी चल कर। दिली चाहत में ऐसी उल्फत में, दिली चाहत में ऐसी उल्फत में, बाह बाह गाए दिल बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, ओ बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। याद बुआते कांटों से फूल, हमको बनाते कांटों से फूल, चमकते भाग्य मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा। ओम शांति।